हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ग्रुप नर्सिंग ई कोचिंग। दिस इज़ वीडियो ऑन न्यूट्रिशन नर्सिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ वीडियो नंबर वन ऑन न्यूट्रिशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following is not considered a food reaction for infant? A. Diarrhea, B. Hypertension, C. Skin rash, D. Difficulty in breathing. Answer is B. Hypertension. Next question, question number 2. A protein restricted diet require only 10 grams per day. A. 20 to 40, B. 30 to 50, C. 40 to 60, D. 50 to 70. Answer is C. 40 to 60. Next question number 3. 1 gram of protein is equal to 10 of energy. A. 3 kcal, B. 4 kcals, C. 5 kcals, D. 6 kcals. Answer is B. 4 kcal. Next, 4. Which of the following food is not high in potassium? A. Orange, B. Bananas, C. Tomatoes, D. Turnips. Answer is D. Turnips. Next question, question number 5. Another name for vitamin B1 is A. Thiamine, B. Riboflavin, C. Pyridoxine, D. Cobalamin. Answer is A. Thiamine. Next question. Which of the following is caused by a vitamin K deficiency? A. Bruising, B. Optic nerve degeneration, C. Anemia, D. Hemorrhage in infants. Next answer is D. Hemorrhage. Next question number 7. Which of the following is caused by a vitamin D deficiency? A. Edema, B. Anemia, C. Lupus, D. Rickets. Answer is D. Rickets. Next question number 8. Which of the following is caused by a vitamin C deficiency? A. Fever, B. Anemia, C. Headache, D. Nausea. Answer is B. Anemia. Next question number 9. Which of the following is caused by a vitamin B12 deficiency? A. Glossitis, B. Fever, C. Hypertension, D. Edema. Answer is A. Glossitis. Next question number 10. Which of the following caused by a vitamin B6 deficiency? A. Excessive irritability, B. Non-productive cough, C. Dry mouth, D. Depression. Answer is A. Excessive irritability. Next question number 11. Which of the following is caused by a B5 deficiency? A. Ectopic pregnancy, B. Nausea, C. Dermatitis, D. Fever. Answer is C. Dermatitis. Next 12. Which of the following is not an underlying cause on hypercalcemia? A. Paget's disease, B. Hyperparathyroidism, C. Hartan disease, D. Sarcoidosis. Answer is C. Hartnup disease. Next question number 13. Which of the following is not considered a water-soluble vitamin?
ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन B12। आंसर इज विटामिन डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए फैट सोल्यूबल विटामिन? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। आंसर इज बी विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल बी द मोस्ट कॉमन इन ऑयल्स फ्रॉम सीरियल सीड्स, सैलड्स, ऑयल्स, मार्गिन एंड शॉर्टनिंग्स? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। आंसर इज सी विटामिन ई। नेक्स्ट 16। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल बी द मोस्ट कॉमन इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एग योक एंड सोया ऑयल? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। आंसर इज विटामिन डी, विटामिन के। सो आंसर इज डी विटामिन के। नेक्स्ट 17। अनदर नेम फॉर विटामिन B12 इज ए पेंथोटेनिक एसिड, बी साइनोकोबलामिन, सी नियासिन, डी राइबोफ्लेविन। आंसर इज बी साइनोकोबलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नियासिन? ए यीस्ट, बी मीट, सी लीवर, डी कॉर्न। आंसर इज डी कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन ए? ए स्ट्रॉबेरीज, बी ऑरेंज, सी ग्रीन वेजिटेबल्स, डी येलो वेजिटेबल्स। आंसर इज सी ग्रीन वेजिटेबल। नेक्स्ट 20। द नर्स इज गिविंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन ऑन ए क्लाइंट हु इज ऑन ए वेगन डाइट। द नर्स प्रोवाइड डाइटरी टीचिंग फोकस ऑन फूड्स हाई इन विच विटामिन दैट मे बी लैकिंग इन ए वेगन डाइट? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। आंसर इज बी विटामिन डी। नेक्स्ट 21। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विथ पैनक्रेटाइटिस अबाउट फॉलोइंग ए लो फैट डाइट। द नर्स डेवलप्स ए लिस्ट ऑफ हाई फैट फूड टू अवॉइड एंड इंक्लूड विच फूड ऑन द आइटम लिस्ट? ए चॉकलेट मिल्क, बी ब्रोकली, सी एप्पल, डी सालमन। आंसर इज ए चॉकलेट मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए क्लियर लिक्विड डाइट। द नर्स प्रोवाइड्स द क्लाइंट विथ विच आइटम दैट आर अलाउड टू बी कंज्यूम्ड ऑन दिस डाइट? ए वेजिटेबल जूस, बी कस्टर्ड, सी शरबत, डी बोलिन। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ए क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम डिब्रेडमेंट ऑफ राइट लेग। ए नर्स इंक्रेज द क्लाइंट टू ईट विच फूड आइटम दैट इज नेचुरली हाई इन विटामिन सी टू प्रमोट वुंड हीलिंग? ए मिल्क, बी चिकन, सी बनाना, डी स्ट्रॉबेरीज। आंसर इज डी स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विथ हाइपरकैलेमिया ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ चूजिंग फूड लो इन पोटासियम। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स? ए ग्रेप्स, बी कैरेट,
सी ग्रीन बीन्स, डी लिटोस। आंसर इज बी कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ए पेशेंट रिसीविंग पेरीनेटरल न्यूट्रिशन इज एडमिनिस्टर्ड वाया द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट ए सबक्लेविन लाइन, बी सेंट्रल वेनस कैथेटर, सी PICC पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन, डी PEG ट्यूब। आंसर इज डी PEG ट्यूब। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो